एक ऐसा सफर जो अकेले होकर भी किसी की मौजूदगी दिलाई। न दिन देखा न तारीख, बस निकल गया अपने मन के मुताबिक साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करने। जहाँ की भाषा न मुझे समझ आती है न मेरी भाषा उन्हें। ऐसी जगहों पे काम आई तो बस बॉडी गेस्चर। तो ले आओ चिप्स कुरकुरे और देखने बैठ जाओ मेरी साउथ इंडिया की ट्रिप। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से निकल गया हूँ एक नए ट्रिप में और अभी हूँ मैं रांची रेलवे स्टेशन में। आज का तारीख बड़ा मस्त है, 22/2/22। अभी 3:45 में है मेरी ट्रेन अल्लेपी। रांची से मेरा टिकट है चेन्नई तक, टिकट है मद्रास तक, लेकिन मैं मद्रास तक नहीं जाऊंगा। उससे पहले एक स्टेशन है नेल्लोर। टिकट मैंने 20-25 दिन पहले कर रखा था IRCTC के एप्लीकेशन से। 13,351 ट्रेन का नंबर है मेरा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई। यह ऐसी ट्रेन है जिसमें से बहुत सारे वर्कर्स लोग जाते हैं और हमेशा इस ट्रेन में भीड़ रहती है। स्लीपर के कोच में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या करिए, सफर में टिकट नहीं है तो कम से कम रेस्ट चाहिए। हाँ एकदम। किसी भी आरामी था यार, सच में गेम चल रहा है यहाँ पे। सब लोग जुगाड़ लेके चलते हैं। देखो लोग दो कहीं एक साथ में है और तीन लोग उधर। देखो इधर स्लीपर में कितना भीड़ है। बस नेल्लोर पहुंचने वाला हूँ, 1-2 मिनट में उतर जाऊंगा। पहुंच चुकी है एकदम 1.25 घंटा डिले के साथ में। ये पेन्ना रिवर है, 2-3 दिन बाद फिर इस पेन्ना रिवर से आप लोगों को मिलाऊंगा। उतर गया हूँ नेल्लोर स्टेशन पे और अब जा रहा हूँ यहाँ से बाहर सिटी की ओर। सबसे पहले डिनर करना है, बहुत तेज से भूख लगी है यार। 8:30 बज रहा है और दूसरी ट्रेन मेरी 9:15 थी, लेकिन वो भी 1-1.5 घंटे के डिले में है, तो वो भी 10:30 नेल्लोर पे आएगी। नेक्स्ट ट्रेन लेने वाला हूँ नेल्लोर से तिरुपति के लिए। इस साउथ इंडिया के ट्रिप में मुझे लैंग्वेज का बैरियर होने वाला है। इस साइड में मुझे एक होटल दिखा है, देखो वो। तो ये है मेरा अभी का फूड, ये है मेरा फर्स्ट साउथ इंडियन फूड और ट्राई करने में जा रहा हूँ कैसा है पता नहीं मुझे। 50 रुपये में यह है, इतना जो भी अभी खाना आप लोगों ने देखा उसको मैं अभी खा करके निपट लूंगा। उसके बाद और भी एक्सप्लोर करना है मुझे यहाँ पे, जब तक दूसरी ट्रेन मेरी आ नहीं जाती है। केले के पत्ते में खा रहा हूँ मैं। तो हो गया है डिनर और मैं अब आ गया हूँ रोड के दूसरे साइड में। आप लोगों को बताया कि पेन्ना रिवर में दिखाऊंगा आप लोगों को 2-3 दिनों बाद। आप गूगल में जाओ और सर्च करो गंडीकोटा, 2-3 दिनों के बाद वहाँ पे जाऊंगा। अभी मैं इन भैया के दुकान में सेल्फी स्टिक खरीदा अपना, ब्लूटूथ वाला ये रहा, और अपने मोबाइल फोन पे ग्लास वगैरह लगाया। ये लोग हैं राजस्थान से बेसिकली, इन लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बताया ना आप लोगों को कि साउथ इंडिया के ट्रिप में मजा आने वाला आप लोगों को। तो बस शुरुआत हो चुकी है मस्त वाली। आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरी गाड़ी आने वाली है, दूसरी ट्रेन। देख रहे पसीना यार, गर्मी बहुत ज्यादा है। उतना दूर से अभी पैदल चल के आया हूँ, वैसे उधर केला खरीद लिया हूँ। मेरा सीट इस बार है D1 के 7 नंबर सीट पे है। देखो ये ट्रेन का नंबर है 12,863। सो गाइस, अभी सुबह के 1 बज रहे हैं। अभी अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ। ट्रेन में मैं 1.5 घंटे सोया हूँ छोटा छोटा नींद लेकर के। इस वाले प्लेटफॉर्म में पूरा खाली है, उस वाले प्लेटफॉर्म में बहुत कोई सोए हुए हैं। गाइस रात को मैं इस तिरुपति रेलवे स्टेशन में पहुँचा था 1 बजे और जब मैं नेल्लोर रेलवे स्टेशन में बैठा था 9:30 बजे रात में और यहाँ पे 1 बजे पहुँचा, उस दौरान में मैंने छोटी मोटी झपकियाँ ली, सोया। उसके बाद 1 बजे के बाद यहाँ पे मुझे उतनी तो नींद आ नहीं रही थी, लेकिन मैं सोचा क्या करूँगा, फिर इस जगह पे मैंने अपना शरण लिया। फिर अभी 5:15 बजे सो करके उठ गया हूँ और जा रहा हूँ इस रेलवे स्टेशन के बाहर में। अब यहाँ से बस चलती है डायरेक्ट तिरुमाला पहाड़ी के लिए और फिर बस से मैं अब जाऊँगा तिरुमाला पहाड़ी। अब बता दो एक्चुअली में हुआ क्या।
मैं जिस बस को अभी दिखाया था आप लोगों को, वो बस मैं जब जाके बैठा तो वो बोलते हैं टिकट है आपके पास 500 पास। तो मैंने बोला नहीं है, तो वो बोलती है उतर जाओ। कंडक्टर थी, फिर वहां से उतरा, फिर पता किया कि कहां पे पास मिलता है। फिर मैं गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एकदम लास्ट तक, वहां पे अपना पास लिया। पास में 2 दिन के बाद का मुझे समय मिला है, सैटरडे को शाम के 7 बजे। यहां से एक स्टेशन है रेनीगुंटा, वहां तक मैं जा रहा हूं बिना टिकट के। ये लोकल ट्रेन जैसी दिख रही है, रेनीगुंटा से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है। जस्ट तिरुपति से एक स्टेशन आगे है रेनीगुंटा। अभी 5:58 हो रहा है, वो ट्रेन खुलेगी रेनीगुंटा से 6:45 में। लगभग 11 बजे मॉर्निंग में मैं पहुंच जाऊंगा कोंडापुरम साइड। पहुंचा दिया स्टेशन, बस 5 मिनट बचा है मेरे पास। इस 5 मिनट में मुझे टिकट खरीदना पड़ेगा और दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी मेरे को। तो गाइस पहुंच गया हूं मैं रेनीगुंटा जंक्शन, और इस जंक्शन में मैंने तुरंत भागे भागे गया टिकट काउंटर में। वहां पर मैंने अपना टिकट लिया, 80 रुपया लिया या कोंडापुरम तक के लिए। और ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 में ही खड़ी है, 5-10 मिनट में खुलेगी। उसके बाद एकदम बिल्कुल मैं एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, जिसमें से गांव के लोग जैसे होते हैं ना, उस टाइप के लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। एकदम लोगों, गांव के लोगों के साथ में घुल मिल करके बातें करने में एक थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस होगा। Sometimes it happens. Yeah, no. We also same electrical. Girl. So what? Final year. What are you pursuing? What are you pursuing? I'm pursuing BTech final year. Okay. Annamacheri near Rajampeta. बस जैसे बैठा हूँ, co-passenger है और ये भी भाई साहब है electrical branch से, ये भी BTech final year में है। तो बस सब मेरे जैसा ही है, मैं भी BTech कर रहा हूँ। शायद पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, ये है भाई साहब। बातें करते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं, मॉर्निंग सनराइज हो रहा है। फाइनली 10 बजे मॉर्निंग में मैं पहुंच गया हूं अपना रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम है मुद्दनूर। इस रेलवे स्टेशन से अब मैं कैच करूंगा एक बस, बस से डायरेक्ट मैं जाऊंगा एक अल्लापुर, नाम में भूल गया हूँ, नाम में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, इस जगह पे मुझे जाना है अभी बस लेकर के। यहाँ जगह का नाम है जमाला मद्दुगु। फिर जमाला मद्दुगु बस स्टैंड में जाने के बाद फिर वहाँ से दूसरी बस लेनी है मेरे को गंडीकोटा के लिए। ये रहा पीछे रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन के आगे साइड में, उस साइड में है बस स्टैंड। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया देखने जा रहा हूँ मैं। ये बस जा रही है जमाला मद्दुगु। जमाला मद्दुगु पर आ गया हूँ और अब गंडीकोटा के लिए दूसरी बस लेने जा रहा हूँ। उस साइड में आदमी से पूछ करके मैं जा रहा हूँ। लोग ऐसा है कि यंगर एज वालों को मैं पूछ रहा हूँ। भाई वहाँ से बस तो अभी नहीं है इस दोपहर में, डायरेक्ट 2 बजे थी। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि वहाँ से निकल करके पुल के ऊपर मैं आ गया हूँ जगह में, कोई पल्ले करके कोई जगह का नाम था। तो अभी मैं जा रहा हूँ परछाई के पास, यहाँ से मैं हिच हाइकिंग ट्राई करूँगा। ऑटो वाले को मैंने पूछा तो ऑटो वाले 400 से 600 रुपये मांग रहे थे केवल आने जाने का। यहाँ से डिस्टेंस टोटल पड़ता है गंडीकोटा का 11 किलोमीटर। किसी ना किसी तरफ पहुंच जाऊंगा यार, लिफ्ट लेकर के चाहे जैसे भी, मुझे पहुंचना है उस जगह पे। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था उस जगह पहुंचने का। उस साइड पहाड़ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, उस वाले पहाड़ साइड में है गंडीकोटा में, मुझे वहां तक जाना है। अंकल का और मेरा साथ यहीं तक था, वो चले गए इस साइड में। यहाँ पे कुछ फार्मिंग है, फार्मिंग का सामान लेकर के ये रिटर्न जाएंगे आई थिंक। लगभग 5 किलोमीटर बचा हुआ है गंडीकोटा। भाषा भले ही समझ में ना आए लेकिन इशारा ही काफी होता है। उन अंकल को हिंदी नहीं आ रही थी लेकिन मैंने इशारा किया गंडीकोटा गंडीकोटा, तो वो समझ गए कि इस बंदे को गंडीकोटा जाना है। सो अब देखता हूँ दूसरी गाड़ी कब आती है। गंडीकोटा नहीं समझ में आ रहा। इंग्लिश नहीं है, तेलुगु बट
लैंग्वेज? हिंदी नहीं। हैदराबाद में जसा? अकेले अकेले। हैदराबाद? नो नो, झारखंड। झारखंड? यस। रांची? हाँ रांची। हाँ रांची 22 फरवरी एंड यहाँ रिच टुमारो कल एंड देयर टुडे टुडे नाइट स्टे नॉट नाइट स्टे नाइट तिरुपति या धन्यवाद। टेंट अवेलेबल उठा टेंट अवेलेबल आपके पास? हाँ ओके। हाउ मच 800 800 हाँ मिनिमम कॉस्ट मिनिमम कैंप एयर कूड़ा रूम्स अवेलेबल रूम्स ना उठा नो रूम्स कूड़ा नो अवेलेबल अवेलेबल हाउ मच 2500 ओके दिस इज आल्सो अवेलेबल अवेलेबल ओके ओके जिप लाइन का 600 चार्ज करते हैं वहाँ पे 600 एक पर्सन का आना जाना दोनों का। आई एम मेकिंग वीडियो इधर आग लगी हुई है एस टाइम टू कम हेयर व्हाट मार्च अप्रैल मई जून अप्रैल जून फाइनली पहुंच गया हूं गंडीकोटा और अभी जा रहा हूं फोर्ट की ओर और इसी रास्ते में है सारा चीज एक्सप्लोर करने का चार मीनार है फोर्ट है रिवर व्यू है उस फोर्ट से मैं आ गया अब नीचे और अभी जा रहा हूं चार मीनार की ओर और रिवर फ्रंट की ओर। गाइस चार मीनार का वीडियो आप लोगों में से किस किसने देखा? वो दिखाया था तेलंगाना का चार मीनार जो रियल चार मीनार है ये तो उसका डुप्लीकेट है। यहाँ से ऐसा दिख रहा है ये है डायरेक्शंस यहाँ के और ये है चार मीनार। तो मैं अभी आता हूँ पेन्ना रिवर को देख करके उसके बाद से फिर इस जामा मस्जिद या फिर चार मीनार को एक्सप्लोर करूँगा। पहले इस साइड में इसी साइड में आगे था अभी जो डायरेक्शन दिखाया आप लोगों को वही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ आगे। अब देखो आउट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे मतलब ना के बराबर लोग हैं अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है आंध्र प्रदेश के लोग ही दिखे हैं मेरे को ज़्यादातर। कैन यू कैप्चर जंप जंप ये है गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बहुत ही सुंदर है खूबसूरत है वहाँ पे एक रॉक पॉइंट है रॉक हाँ जो बहुत ही खतरनाक है और थैंक यू अलॉट फॉर टेकिंग माय पिक्चर्स ऑन माय कैमरा हैव यू कैप्चर्ड आल्सो ऑन योर कैमरा नो ओके। गंडीकोटा रिवर व्यू को देख करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से रिटर्न भूख भी लग गई है प्रेशर है कि रिटर्न भी जाना है। जो मैं अभी आप लोगों को दिखाया वो एक टेम्पल था और उसके आगे में था एक जेल यहाँ से भी दिख रहा है ये जेल ओपन है इस जेल में अपन जा सकते देख सकते। अब रिटर्निंग का हिच हाइकिंग शुरू 12 किलोमीटर मुझे हिच हाइक करके फिर से जाना पड़ेगा मुदालापुर नाम नहीं पता नाम भूल जाता हूँ यार। ये भैया लोग चले गए मुद्दानूर आई हैव टू गो नेक्स्ट। सवा एक बज गया 1:14 में मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे जगह का नाम फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पर अभी मुझे इस बस से लेकर के जाना है मुद्दानूर मैं जब आया था उस वाले बस ने लिया था 25 रुपए लगभग 22-23 किलोमीटर था तो यहाँ के भी रेट देखा जाए सरकारी बसों का तो सही रेट है और ये है एक्सप्रेस इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा मुद्दानूर तब मैं बताऊंगा आप लोगों को हालांकि 22-23 किलोमीटर है। इस स्टेशन का नाम है ये मुद्दनूर। होटल बगल में था बस स्टैंड के वहाँ पर मैंने खाना खाया और टिकट के लिए मैं अभी गया था 3:30 बजे मेरी ट्रेन है मुद्दनूर से रेनीगुंटा के लिए। Thank you.
चला गया था तिरुपति दर्शन करने के लिए, और बाहर से ही दर्शन करके मैं वापस आ गया रेणीगुंटा, और रेणीगुंटा से फिर मैं चला गया चेन्नई। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हूँ मैं चेन्नई में, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बगल में हूँ। इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 450 रुपीज़। और अभी मैं नहा धोकर के रेडी हो चुका हूँ सुबह के, अभी 9:30 बज चुके हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ चेन्नई को एक्सप्लोर करने। चेन्नई का मेरा एक दिन का प्लान है, मैं एक दिन में जितना कवर कर सकता हूँ मैं उतना कवर करूंगा, उतना मैं एक्सप्लोर करूंगा। रात में मैंने शर्ट को भी धो दिया था। अभी मैं निकल रहा हूँ बीच के ओर। अब मैं पधार चुका हूँ तेलुगु लैंग्वेज से तमिल लैंग्वेज में। पूरे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, एक खुफिया रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है? ओ भाई, अंडरग्राउंड रास्ता है। मैं देख रहा था गूगल मैप में कि ये रास्ता कहाँ है किधर निकलता है, फिर अभी मैं देखा कि ओ भाई ये तो अंडरग्राउंड है, ऊपर से रेलवे गुजरती है। इसके पीछे आपने देखा होगा अभी गाड़ियां जा रही थी। अब इस रोड पे मुझे सीधे चलते जाना है जब तक कि मुझे फोर्ट संत जॉर्ज म्यूजियम ना मिल जाए। दिस इज द म्यूजियम। इस म्यूजियम नहीं भैया, इस म्यूजियम क्लोज करो। सैटरडे क्लोज है। सैटरडे क्लोज। हां, सैटरडे क्लोज है। जो सैटरडे द ओपनिंग வந்து எக்மோர் म्यूजियम में बच्चा का सुपर म्यूजियम है, तमिलनाडु म्यूजियम है, पुलिस म्यूजियम है, எல்லாமே இருக்கு। ओके, எக்மோர் म्यूजियम वेयर इज इट? எக்மோர் म्यूजियम ओपनिंग है। ओपनिंग। ओपनिंग। दिस इज क्लोज नाउ। दिस इज क्लोज है। ओपनिंग में म्यूजियम सुपर म्यूजियम अच्छे मेरना बीच लाइट हाउस है, विवेकानंद वेले बीच लो करो। या नो नो, आई विल गो एंड चेक इट, आफ्टर दैट आई विल गो। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं अब जा रहा हूँ अभी म्यूजियम पता करने, अगर खुला होगा तो मैं देखूंगा। अभी तो ये वैसे ऑटो वाले बोल रहे थे कि बंद है। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे अंदर में ही। बहुत सारी चीजें थी देखने को, पुराने सिक्के, अलग अलग प्रकार के, एकदम 17th century। एंट्री टिकट के लिए ये रहा रूल्स, इसमें एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जा करके आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने वीडियोस वगैरह कुछ भी कैप्चर नहीं किए। मेरे पास जो सेल्फी स्टिक है जो मैंने खरीदा था, वो मेरे हाथों में बहुत सारे लोग देख करके पूछ रहे ये क्या है, कैसे काम करता है। ये है सेल्फी स्टिक, और ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है यहाँ पे। ये रिमोट वाला है, इसको मैं ट्राइपॉड भी बना सकता हूँ। अगर मुझे टाइम लैप्स या फिर कहीं एक स्टैटिक वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको ट्राइपॉड ऐसे खोल करके बना सकता हूँ। यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस लगी हुई है, पता नहीं ट्रैफिक को संभालते हैं या फिर क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो मुझे पता चल गया कि ये पुलिस वाले क्यों लगे हुए हैं चारों तरफ में 50-50 मीटर की दूरी में। ही हैज क्रॉस और ही इज गोइंग टू बी क्रॉस। He is going to be crossed. Ah, yes, yes. Right this now? Road, right now. Okay. तो अभी जो आप लोग पुलिस वाले को देख रहे थे 50-50 मीटर की दूरी में, मैं तो सोच रहा था कि ये पोर्ट के लिए लगे होंगे, लेकिन कारण कुछ और ही निकला। अभी सीएम क्रॉस कर रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे पुलिस लगाए गए थे। जस्ट मेरे बगल में है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मैं अभी जा रहा हूँ मेरीना बीच की ओर। पैदल चलते चलते एक भाई मिल गए हैं, उनसे मैं बातें करते हुए जा रहा हूँ। मैं अभी उतना फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, ये भी नहीं है, बस ऐसे ही एक दूसरे का कम्युनिकेशन करते हुए जा रहे हैं। बट हाँ, एक दूसरे में जो बातें कर रहे हैं वो तो समझ में आ जा रही है। द नेम ऑफ द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर वॉज अरिंगा रन्ना। अरिंगा रन्ना, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी जब मृत्यु हुई, डेथ हुई, तो उसका कब्र यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके 2 साल पहले ही उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, तो उसका भी कब्र जो है उसके जस्ट पीछे साइड में बनाया हुआ है। दिस आल्सो एक्सचेंज मिनिस्टर तमिलनाडु। ओके 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 ओके। चेन्नई तरफ अभी आम भी मिलना शुरू हो चुका है, अभी फरवरी से ही। दिस ब्रो, तो गाइस सुबह से फाइनली मेरीना बीच करते करते अब मैं पहुंच चुका हूं मेरीना बीच पे, और ये है चेन्नई का मेरीना बीच। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, और पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है यह मेरीना बीच। अभी हम लोगों ने लंच किया वहाँ पे, चिकन चावल, और उसके बाद बस लिया, वहीं पे बस स्टैंड था, बस लिया, बस लेकर के आ गए डायरेक्ट चेन्नई का लाइट हाउस। इसका टिकट का प्राइस है 1 पर्सन का 20 रुपीस। ये है लाइट हाउस का एंट्री। एक आंटी है गार्ड, वो आती है, टिकट फाड़ती है और ऊपर लेके जाती है हमें। देखो यहाँ से सीट दिख रही है।
अभी आप लोगों ने देखा सीन यहाँ से कितना सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू दिखता है। और गाइज टोटल यहाँ पे 9th फ्लोर है और देखो अभी भी मैं यहीं पर हूँ, सबसे ऊपर से मैं नीचे आ गया, एक फ्लोर सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। अभी 3:54 हो रहा है और गाइज लाइट हाउस को देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं सैन थॉम कैथेड्रल चर्च को देखने। या तो ये है सैन थॉम कैथेड्रल चर्च। प्लीज वन पिक्चर कैप्चर। तो हम लोगों ने सैन थॉमस चर्च को भी एक्सप्लोर कर लिया है और गाइज मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई भी चर्च के अंदर में गया हूँ और देखा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ रिटर्न अपना रूम चेन्नई सेंट्रल। आते समय तो पैदल पैदल ही आते आ गया मैं घूमते फिरते और अब जा रहा हूँ बस लेकर के जाऊंगा रूम। और आज रात में मेरी ट्रेन है कोयम्बटूर के लिए। अभी हम चेन्नई सेंट्रल जाते जाते बस से आए हुए थे बस स्टैंड, और बस स्टैंड आने के बाद एक मार्केट में आए हुए हैं। एकदम गली ही गली है, जिस गली में जाता हूँ उस गली में किताब की दुकानें हैं, कार्ड शादी कार्ड की दुकान है, एंड इस वाले में देख सकते हो केवल सब्जी का ही दुकान वाले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? दिस एरिया वाज पेरिस कॉर्नर। पेरिस कॉर्नर नाम है इस एरिया का, पेरिस कॉर्नर एंडरसन स्ट्रीट। बहुत भीड़ है यार, बिजी एरिया भी दिखा रहा गूगल मैप में इस एरिया को।